please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के मुरैना से बड़ी खबर दे रहे हैं मनोज शर्मा। मुरैना में अवैध रेत लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने यात्रियों से भरी जीप में टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में मारे गए सभी लोग और घायल ग्वालियर के रहने वाले हैं। मनोज हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। मनोज, कैसे यह हादसा हुआ? सुबह बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। जो बताया जा रहा है कि जो अवैध रेत लेकर जा रही थी एक ट्रॉली, और जाहिर तौर पर चूंकि अवैध रेत उसके पास थी तो उसे जो सड़क के नियम होते हैं उनका कोई ख्याल नहीं था, और यही वजह है कि जो जीप आ रही थी जीप में सीधी टक्कर मारी है। जीप में बैठे हुए 12 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग जो घायल हुए उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अहम बात इसमें यह है, जांच का विषय यह है कि चंबल का ये इलाका अवैध रेत खनन के लिए बदनाम है, और उसके बावजूद भी ये इस बात का सबूत है कि अवैध रेत का खनन हो रहा है, और इसके साथ ही साथ जो अवैध रेत का खनन करने वाले वो किसी भी तरह के सड़क के नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। जी मनोज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्र सरकार ने घाटे में चल रही एयर इंडिया के विनिवेश की योजना टाल दी। सूत्रों के मुताबिक चुनावी साल की वजह से सरकारी एयरलाइंस को लेकर यह फैसला किया गया, जिसकी वजह से सरकार एयर इंडिया के ऑपरेशन के लिए जरूरी फंड मुहैया कराएगी। इसके अलावा एयर इंडिया के लिए नए विमानों की खरीद के ऑर्डर भी दिए जाएंगे, जबकि पहले सरकार एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, लेकिन तय वक्त यानी 31 मई तक एयर इंडिया की बोली लगाने के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया, क्योंकि एयर इंडिया पर करीब 50,000 करोड़ का कर्ज है, जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में हुई बैठक में विनिवेश टालने का फैसला लिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सीधे आपको लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं। हाथों को वापस लाए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। कैसा सुंदर दृश्य है ये, कैसा महानतम प्रयास है ये, विश्व कल्याण। The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, leading the nation in the practice of yoga on the occasion of the 4th International Day of Yoga. As the celebrations draw to a close here at the Forest Reserve Institute, Dehradun. तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं देहरादून से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया। आधे घंटे से ज्यादा प्रधानमंत्री ने योग किया और प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि योग मैं से हम की यात्रा है। और अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं, दरअसल काफ़ी उत्साहित हैं ये लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और जब भी लोगों के बीच जाते हैं प्रधानमंत्री तो लोगों को निराश नहीं करते हैं। काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, 50,000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया, और इस बीच लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा लोगों से कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। उत्तराखंड में इसलिए है क्योंकि योग का प्रमुख केंद्र है। जब पीएम ने संबोधन दिया उन्होंने कहा कि योग हमें मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने का काम करता है। योग से हमें ताकत मिलती है, योग से ऊर्जावान होता है, और आज योग पूरी दुनिया को एक नई ऊर्जा दे रहा है। ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे की खुशी भी आप देख सकते हैं। काफ़ी व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है, लेकिन उनकी जो ऊर्जा बनी रहती है वो हर समय तरोताज़ा रहते हैं, उसका एक प्रमुख कारण योग भी है। और वो बार बार लोगों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि अपने जीवन का हिस्सा बनाइए योग को, इससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी। FRI कैंपस में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। 50,000 लोगों के साथ उन्होंने मिलकर योग किया। उनकी सुरक्षा का घेरा काफी बड़ा होता है, इसके बावजूद वो लोगों को निराश नहीं करते हैं। ये देहरादून का FRI कैंपस है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी है, और योग के जरिए भारत को एक अलग पहचान भी मिली है। आज से 4 साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने योग को मान्यता दी थी, और 3 महीने के अंदर ही ये प्रस्ताव पास हो गया था। ये इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, और मोदी कैबिनेट के मंत्री भी अलग अलग जा करके लोगों को संदेश दे रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब देहरादून पहुंचे उससे पहले भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से संदेश भी दिया था, और
उन्होंने कहा था कि वो योग के लिए समर्पित हैं। योग आपको एकाग्रता में ले जाता है, ध्यान से आपको शक्ति मिलती है। तो आज पूरी दुनिया में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी देहरादून के एफआरआई कैंपस में मौजूद हैं। हजारों स्वयंसेवियों के साथ उन्होंने योगासन किया। इसके अलावा अगर हम बाकी जगह की बात करें तो राजस्थान के कोटा में बाबा रामदेव योग कर रहे हैं, वो नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर संदेश भी दिया था कि योग सिर्फ शरीर को फिट रखने वाला अभ्यास नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का पासपोर्ट है। और जब वो भाषण दे रहे थे योग से पहले, लोग काफ़ी उत्साहित होकर के उनको सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा कि योग फिटनेस और तंदुरुस्ती की कुंजी है। योग केवल अभ्यास नहीं है जो आप सुबह करते हैं, बल्कि पूरी समझदारी और जागरूकता के साथ अपने दिन भर के क्रियाकल्प में इसे शामिल जरूर करिए। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में एक दुकान पर एक सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। आरोप है कि दुकानदार एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में अवैध तरीके से गैस भर रहा था, तभी उसमें अचानक भीषण आग लग गई। शकरपुर के आई ब्लॉक की गली में एक दुकान में आग लगी देख लोग सकते में आ गए, लेकिन देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने वहां एक जोरदार धमाका हो गया। किसी फिल्म में दिखाए जाने वाले बम ब्लास्ट जैसा नजारा देख पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जो जहां खड़ा था वहां से भागने लगा। पास के ही एक मकान से लाल टी शर्ट में निकले लड़के ने घर वालों को भी भागने का इशारा किया। इसी बीच एक महिला गोद में एक छोटे बच्चे और हाथ में एक बच्चे को पकड़े बाहर निकली और वो भी गली से बाहर की तरफ भाग गई। बताया गया कि इस हादसे में दुकानदार करीब 50% तक झुलस गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सिलेंडर में गैस भरने के दौरान हादसे की आशंका जताई। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता फरहान आजमी के एक होटल में बिजनेस पार्टनर था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि फरहान आजमी ने होटल बिजनेस में पैसे के लेन देन में उनके साथ धोखाधड़ी की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम पर विवाद शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में अमृतसर जिले के कई अधिकारी शामिल हुए, लेकिन अमृतसर से पंजाब कैबिनेट में तीन कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद ना तो नवजोत सिंह सिद्धू और ना ही दूसरे मंत्री इस आयोजन में नजर आए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। न्यूज 18 खबरों की दुनिया का ऐसा नाम जो अब देश का नंबर वन न्यूज नेटवर्क बन चुका है। न्यूज 18 अपनी इसी कामयाबी का जश्न मना रहा है और एक मल्टीमीडिया कैंपेन के जरिए जिसका नाम है 18 is equal to 1। 67 करोड़ दर्शक, 1200 से ज्यादा रिपोर्टर और 15 भाषाओं में 16 चैनल, यह है भारत के नंबर एक न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 की ताकत। इसीलिए हम कह रहे हैं 18 बन चुका है नया नंबर एक।